उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए अलीगढ़ पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर जोरदार हमला बोला। वहीं उन्होंने कहा कि ये चुनाव संविधान बचाने का है। दिल्ली में नई लोकसभा बना रही है भाजपा सरकार में आगे को हो सकता है कि ये लोग संविधान ही बदल दें। ऐसा अखिलेश यादव जी का कहना है कि इंडिया गेट ने अमर जवान ज्योति को बदल दिया है। वहीं भाजपा वाले हर चीज बदलना चाहते हैं और जनता इस बार इनके बाबा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बदलना चाहती है। जी हाँ, आपको बता दें इसके साथ सपा प्रमुख ने फिर से 400 सीट जीतने की बात कही है। वहीं इसके साथ यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा वाले प्रचार और झांसा देने में बहुत आगे हैं। वहीं भाजपा में जो जितना बड़ा नेता है वो उतना बड़ा झूठ बोलता है, अगर छोटा नेता है तो वो छोटा झूठ बोलेगा और अगर बड़ा नेता है तो वो बड़ा झूठ बोलेगा। इसके साथ अलीगढ़ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि लोगों के गुस्से को देखते हुए सपा और RLD संगठन को 400 सीट मिलने जा रही है। वहीं यूपी की सीटें पीपल्स को मिलेगी, जिसके साथ जनता से अपील करते हुए कहा है कि एक बार फिर से मैं निवेदन करता हूँ कि सपा RLD के जितने भी प्रत्याशी हैं साइकिल और हैंडपंप को याद रखना। जहाँ साइकिल है वहाँ हैंडपंप वाले मदद करें और जहाँ हैंडपंप है वहाँ साइकिल वाले मदद करें। ये जो सड़कों पर एम्बुलेंस दिखाई देती है यह समाजवादियों की देन है। जब से बाबा मुख्यमंत्री ने डायल 100 को डायल 112 कर दिया है तब से पुलिस गवारा हो गई है। वहीं बाबा CM ने पुलिस को बर्बाद कर दिया है। BJP ने किसानों को शहीद कर दिया, उन्होंने कोई मदद नहीं की। सपा ने तय किया है कि सरकार बनने पर शहीद किसानों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का काम करेंगे। वहीं आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी के लोग जानते हैं कि अगर हम लैपटॉप बांट सकते हैं तो हम 22 लाख नौकरी भी दे सकते हैं, ऐसा अखिलेश यादव जी का कहना है। जी आपको बताते चले लैपटॉप आज के ज़माने की जरूरत बन गई है क्योंकि बड़े बड़े कारोबार उद्योग और कारखाने इसी से चल रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें हमारे बाबा मुख्यमंत्री लैपटॉप इसलिए नहीं बांटते हैं क्योंकि उन्हें लैपटॉप चलाना नहीं आता, ऐसा अखिलेश यादव जी बोले। BJP ने गरीबों की जेब से पैसा निकालकर अमीरों की तिजोरी भरने का काम किया है। वैसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए।